शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो काजल, इतनी रात में सब ठीक है ना? कहाँ ठीक हूँ, तुम्हारी काजल तुम्हारे लिए तड़प रही है। काजल इतनी रात में, देखो कल सुबह आता हूँ मैं, ठीक है? अच्छा अच्छा ठीक है, पर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। क्या? एक एड्रेस भेज रही हूँ, कल सुबह 11 बजे पहुँच जाना। और हाँ, काम होने के बाद तुम्हें तुम्हारे पैसे वहीं मिल जाएंगे। अरे लेकिन काजल, हेलो कोई है? एक्सक्यूज मी, एड्रेस तो काजल ने यहीं का दिया था, पर यहां पर तो कोई है ही नहीं। हेलो, तो पहुंच गए? हाँ काजल, मैं पहुंच चुका हूं, पर यहां पर तो कोई है ही नहीं। वो आ रही है, तुम बस तैयार रहो। सुनिए, ये मेरा पहली बार है तो थोड़ा सा नर्वस हूँ। आई होप आप मुझे समझ सकते हैं। कोई बात नहीं, शुरुआत मैं कर दूंगा, फिर धीरे धीरे आप भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। भाभी मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर हो। भाभी मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, सॉरी। प्रेम एक मिनट, कितना बोलते हो तुम? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मेरी आंखों के सामने हीरा था पर मैं देख ही नहीं पा रही थी। भाभी मुझे काजल ने बताया था तुम्हारे बारे में, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इंसान तुम ही हो। और सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं। ये लो पैसे, और जो तुम करने आए हो वो करो। भाभी ये सब मैं नहीं प्रेम, वो सिर्फ गुस्से में लिया हुआ एक फैसला था जो आज तुम्हारे लिए दलदल बनता जा रहा है, लेकिन अब नहीं। हाँ, पैसे हो गए मेरे पास, मैं कल ही यहां से चला जाऊंगा। हाँ, और ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता मैं। तुम्हारे भैया को सुलाकर आई और तुम्हारे लिए स्पेशल बादाम का दूध लाई हूं। अब मेहनत करनी है तुम्हें तो एनर्जी तो लगेगी ना। देखिए भाभी, आप मुझसे जो कुछ भी चाह रही हैं वो नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता वो सब। आप प्लीज चले जाइए कमरे से। नहीं कर सकते मतलब? और तुम्हें अचानक से अच्छा बनने का भूत कब से सवार हो गया? अपनी बकवास बंद करो, वरना तुम्हारे भैया को 2 मिनट में बता दूंगी कि आजकल क्या करते हो और इतने कमजोर कैसे हो। हाँ तो बता दीजिए ना, मैं नहीं डरता हूं। अगर मैंने गलत काम किया था तो आप भी आई थी मेरे पास, पर सोचिए
जब भैया को इस बारे में पता चलेगा तो आपका क्या होगा? आपके लिए बेहतर यही है कि चुपचाप यहाँ से चले जाइए। बदतमीज! आप मुझे इतना भी मत उकसाइए कि मैं भूल जाऊं कि आप मेरी भाभी हैं। चिल्ला! तुम और प्रेम? भैया ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। मेरा तो भाभी में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती मुझे यूज कर रहे हैं। मैं तो इनफैक्ट यहाँ से चले जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग मेरे साथ गलत करना चाहते हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। नहीं, ये प्रेम झूठ बोल रहा है। अब सुनिए, मेरी बात का यकीन कीजिए, ये झूठ बोल रहा है। मैंने सब सुन लिया है, सच क्या है और झूठ क्या है। तुम प्रेम के साथ जबरदस्ती? ची, तुम जैसी औरतों को तो सड़क पे फेंक देना चाहिए। चलो, ये क्या कर रही? छोड़िए मेरा हाथ। चल, बोलना छोड़ो मुझे। चल, बोला ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चल, मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर ये घर तुम्हारा है तो मेरा भी है। और तुमने मेरी जरूरतें, मेरी ख्वाहिशों के बारे में कभी सोचा नहीं ना? अरे तुम मुझे क्या बदनाम करोगे? मैं खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए तुम निकलो इस घर से बाहर। ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा, निकलेगी तो तू। अगर तुम्हारे जीते जी इस घर में नहीं रह सकती तो तुम्हारे मरने के बाद इस घर में रहूंगी। भैया, 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 भाभी ये क्या किया आपने? अरे सोच क्या रही है आप? एम्बुलेंस बुलाइए। तुम किसी को फोन नहीं करोगे? देखो, अगर मैं फंसी ना तो मैं तुम्हें भी फंसाऊंगी, इसलिए मेरी बात चुपचाप मान लो और इस लाश को ठिकाने लगाओ। हम एक काम करते हैं, इसे ना पीछे वाले गार्डन में दफनाएंगे, और कोई पूछेगा तो यही कहेंगे कि ये बाहर गया है। चलो प्रेम, जल्दी करो। हाँ, मैं फावड़ा लेकर आता हूँ। हाँ, जल्दी जाओ। चलो उठो, इस वक्त कौन आ गया? रुको, मैं देखती हूँ, एक काम करूँ। सिलेंडर लेना, चलो चलो। करिश्मा, तुम? क्या हुआ भाभी, दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा? वो कुछ काम। भैया कहाँ है भाभी? वो भैया, 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 करिश्मा, करिश्मा, भैया, भैया क्या हुआ? भैया उनको, मेरी बात सुनो। अभी क्या हुआ भैया को? किसने मारा उन्हें? भाभी बोलो ना कुछ, मेरी बात सुनो। वो नहीं गलती, मैंने मारा इस आदमी को। आपने मेरे भाई का खून कर दिया। इतनी गिर गई है आप? गिरी हुई मैं हूँ या तुम हो? मुझे सब पता है, इस घर में रहते हुए तुम प्रेम का कैसे फायदा उठा रही थी। और अगर मैं वही करना चाह रही हूँ तो मैं गिरी हुई बन गई। हाँ, आप और प्रेम? अरे मुझे भी अगर प्रेम के साथ थोड़ी सी खुशी मिल गई तो उसमें गलती क्या है? तो मेरे भैया को मारना जरूरी था क्या? करिश्मा, मुझे इसे मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं क्या करती, परेशान हो गई थी इससे। दोनों शादीशुदा होकर भी शादीशुदा नहीं थे, और अगर अब मुझे प्रेम के साथ थोड़ी सी खुशियां मिल रही थी तो उसमें बुरा ही क्या है? देख, इस लाश को ठिकाने लगाने में मेरा साथ दे, वरना तुम्हारे ससुराल में अगर तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चल गया ना तो तुम करोड़पति से रोड़पति बन जाओगी। इसलिए ज्यादा सोचो मत, इस लाश को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो।
चोर लोग देख क्या रही है, चल उठा उठा। मारा इनको? इंस्पेक्टर साहब, इसने, इस प्रेम ने मेरे पति को मारा है। और इंस्पेक्टर साहब, ये ना हम दोनों को भी ब्लैकमेल कर रहा है और बोल रहा है कि हम इस लाश को ठिकाने लगाने में इसकी मदद करें। अच्छा हुआ आप आ गए, इसे ले जाइए। हाँ सर, इसी ने मेरे भाई को मारा है, कातिल है ये। पता था मुझे कि तुम दोनों का कोई ईमान नहीं है। अरे जो अपने पति और अपने भाई की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। अच्छा हुआ सर आप सही समय पर आ गए, मैंने ही आपको कॉल किया था। ये देखिए। मारने की क्या जरूरत थी भाभी, वो मर गए। करिश्मा, मुझे इसे मारने का कोई इरादा नहीं था, गलती से मर गया। अरे ये मेरी बात ही नहीं मान रहा था, मुझे घर से बाहर निकाल रहा था। सर भाभी ने भैया को मारा है, जब मैंने इनको धमकी दी कि मैं सबको बता दूंगा तो उल्टा मुझे ही डरा कर इन्होंने चुप करवा दिया। मुझे लगा कि अगर मैं करिश्मा को बुला लूंगा तो वो भाभी को संभाल लेगी, इसलिए मैंने मौका देखकर करिश्मा को कॉल कर दिया। पूरी बात बाद में बताऊंगा, तुम बस तुरंत आ जाओ। हाँ सर, मैंने करिश्मा को इसीलिए बुलाया ताकि वो भाभी का असली चेहरा देख सके और पुलिस को कॉल कर दे, लेकिन हुआ उल्टा, क्योंकि सर इसकी नजर प्रॉपर्टी पर थी और सर ये कुछ महीनों से मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी। कमीने, ये सब बताकर अपने आप को बेबस दिखा रहा है। इंस्पेक्टर साहब, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, हमने इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, इसका कोई फायदा नहीं उठाया, बल्कि यही हमसे पैसा ऐंठ रहा था। चुप रहिए, आपको जो भी कहना थाने में चलकर कहना। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इनका बयान दर्ज करो। ले चलो इनको। इंस्पेक्टर साहब, हमने कुछ नहीं किया सर, क्राइम वर्ल्ड सिर्फ शेमारू टीवी पर।